जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। आज से जूनियर के लिए टॉपिक ही ऐसा है कि जूनियर के लिए बोल रहे हैं हम, 6-7 क्लास 6 और 7 के लिए है, क्योंकि अपने यहाँ 6 से स्टार्ट है, इसलिए हम 6-7 से कह रहे हैं। 5 वाला भी कर सकता है कि, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है डेसिमल। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? डेसिमल। अब समझ गए, डेसिमल सबके लिए है क्या? अपना सबके सीबीएसई में, आईसीएसई में या किसी अदर बोर्ड में, 6-7 में भी है, 6 में भी है, 7 में भी है, 5 में भी है। अपने यहाँ के बच्चों के लिए क्या है? 6 और 7 के लिए, क्योंकि यहाँ तो 5 है नहीं। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। डेसिमल का आज पहला पॉइंट होगा, पहला चैप्टर होगा हम लोगों के हिसाब से। क्या हम लोगों का हर वीडियो एक चैप्टर है? ठीक, तो आज हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो डेसिमल के बारे में जो पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग डेसिमल है क्या, क्या डेसिमल क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन स्टार्ट किया, पहले तो कुछ कहानी जानना होगा क्या, जिसके बारे में इतना हमको पढ़ना है, आगे उसका काम है, हर काम हम लोग उससे करते आ रहे हैं, नहीं करते आ रहे हैं? बिना डेसिमल का आज मैथ है? नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं है वह उल्टा पुल्टा लिखता भी है, उल्टा पुल्टा बोलता भी है। हम कितना दिन टीवी पर देखे हैं न्यूज एंकर को, समझ गए, न्यूज एंकर को देखे हैं, वो बोलेगा 3.78, समझ गए, क्या बोलता है? 3.78, जबकि पॉइंट के बाद 78 बोलना गलत है, उसको 3.78 बोल सकता है। बात समझ गए? खैर, वो सब पढ़ेंगे अभी हम लोग, एक सिंपल एग्जांपल दिए हैं आपको। डेसिमल, दशमलव, नाम इसका क्या होता है पता है? दशमलव माने दशांश, दशांश माने दस में से क्या एक, नहीं हुआ दशांश, डेसिमल। ये वर्ड जो है यह डेसिम से निकला हुआ है। ठीक है, हम लोगों के यहाँ तो ठीक है, दशमलव, दशमलव माने क्या, दस से नहीं, और यह लैटिन वर्ड से निकला हुआ है डेसिम, DECIM, जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में 10, समझ गए। हम लोगों को पढ़ना है दशमलव। सबसे पहले कौन खोज किए थे अपने यहाँ? आर्यभट्ट, और शायद सबसे पहले वही खोजे किए थे, लेकिन शुरू से ही जानते हैं अपने यहाँ का इतिहास। हम लोग उतना टेक्नोलॉजी में डेवलप तो थे, लेकिन बाहरी दुनिया के उतने संपर्क में नहीं थे, इसलिए हम लोग सब में पीछे होते चले गए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा होश भी आया तो 1000 साल तक गुलामे रह गए, नहीं रह गए गुलाम, अब इधर जाके गुलामी हम लोगों की हटी है। सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, जब अंग्रेज अंतिम समय में यहाँ किया शासन, शासन तो कर लिया, जाते जाते अपने से रिलेटेड आदमी को ही फिर सौंप के चला गया, समझ गए। इसलिए इतिहास भी जो है हम लोगों को सही इतिहास भी नहीं पढ़ पाए हम लोग। अब आप लोगों को मौका मिल सकता है, आप लोग सही इतिहास पढ़ सकते हैं, हम लोग तो गलत इतिहास पढ़ के आए, सिलेबस में वही था, वही किताब था, क्या करते। एक एक छोटी छोटी घटना, मैंने अभी तो हम चले गए हिस्ट्री में, हिस्ट्री की तो जानकारी है नहीं हमको उतनी, लेकिन थोड़ा मोड़ा जो पता है तथ्य के आधार पर, जो रियल है उसके आधार पर आपको हम एक घटना बताएंगे, नाम तो किसी का नहीं ले सकते हैं। मान लो कि तुम क्लास में है, 50 बच्चा क्लास में है, उसमें मॉनिटर का चुनाव करना है, ठीक है, मॉनिटर का चुनाव करना है, उसमें से 45 बच्चा, 48 बच्चा किसी एक आदमी को मॉनिटर चुन रहा है, ठीक है, और एक या दो बच्चा किसी एक आदमी को मॉनिटर चुन रहा है, लेकिन सर जी क्या किए,
एक दो बच्चा जो कहा उसको मॉनिटर बना करके ठीक है चल दिए। अब इसी से अंदाज करो, वो जो 45 बच्चा कहा था कि उसको मॉनिटर बनाइए, उसको मॉनिटर नहीं बना करके जिसको एक दो बच्चा कहा था मॉनिटर बनाने के लिए उसको मॉनिटर बना दिया, उसके हाथ में देश दे दिया गया और यहाँ से चले। इसलिए आज देश का ही हालात ठीक है। वो वहाँ छोड़ो, किस बात पर हम लोग चले गए थे, दशमलव के बारे में। नहीं, दशमलव आज भी पूरा विश्व, ये आपको नंबर सिस्टम में भी हम आपको ये कहानी बताए थे, नहीं पूरा विश्व जो है आज हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सबका जन्मदाता कौन है, बाइनरी सिस्टम। क्या है? बाइनरी सिस्टम। और बाइनरी सिस्टम में किस डिजिट का यूज होता है, जीरो और वन का। और जीरो का खोज कौन किया, इंडिया किया। अब इसी से अंदाज करो, जीरो का खोज नहीं होता, आगे का रास्ता कितना जटिल था। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, खोज आर्यभट्ट ही किए थे, ब्रह्मगुप्त स्टार्टिंग किए थे और आर्यभट्ट उसका काम किए थे उस पर। लेकिन फिर वही बात, नाम किसका आएगा, नाम आ रहा है एक चाइनीज का, ठीक है, एक चाइनीज का नाम आ रहा है जो कि 1492 में, ज़्यादा नहीं 1492 में उसको वो यूज किया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को पेलोज। ठीक है, उसका क्या नाम था, फ्रांसिस्को पेलोज, 1492 में नाम उसी का हो रहा है। और उससे पहले यदि एंशियंट के बारे में दे रहा है तो वहाँ कह रहा है कि 2000 ईयर्स अगो, आज से 2000 साल पहले चाइनीज उसका खोज किया था, समझ गया। इसलिए मजबूत बनो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। ठीक है, ज्ञान अर्जित करने के का मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाओ, समझ गया। चलो तो हम लोगों को क्या पढ़ना है आज का पॉइंट, डेसिमल। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं, पहला वीडियो था उसके बारे में जानकारी जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा सोचता होगा भाषण दे रहे हैं, बताना जरूरी था। ठीक है, जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज, डेसिमल। डेसिमल पहला वीडियो में तो ये होता ही है कि नहीं होता है, डेसिमल पार्ट वन किसके लिए, क्लास सिक्स और सेवन के लिए। फिर बोलते हैं हम कि फाइव वाला भी कर सकता है, लेकिन अपना यहाँ तो फाइव नहीं है, इसलिए हमको तो फाइव नहीं बोलना है, क्लास सिक्स और सेवन के। ठीक है, क्लास सिक्स और सेवन के लिए है मेरा पॉइंट डेसिमल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव। ठीक है, कितना क्लियर है ना, दशमलव माने क्या, दस से रिलेटेड। ठीक, लेकिन हम लोगों को ला दिया किस पर, इंग्लिश पर। इंग्लिश पर लाने का मतलब एक दिन और बताए थे नंबर सिस्टम में या किसी ज्योमेट्री में कहानी बताए थे, अंग्रेज जब यहाँ से जाने लगा ठीक है, तो वह परमानेंट जाने के लिए नहीं तैयार हुआ था, कुछ दिन के लिए अपना पावर इंडिया को दिया, हम आज़ाद नहीं है। सो पता है कि नहीं, हमारा देश आज़ाद नहीं है, आज़ादी का कोई सर्टिफिकेट हम लोगों के पास नहीं है। ठीक है, सिर्फ पावर ट्रांसफ़र है, बात को समझो, सिर्फ पावर ट्रांसफ़र है। इसके डीप में अपने घर में अपने सरजी से या घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछे तो वो सारी बात तुमको बताएंगे। ठीक है, यदि उनको नहीं पता होगा तो भी पता लगाएंगे, वो भी पता लगाएगा तुमको बताएंगे। हम आज़ाद नहीं हैं, आज़ादी का कोई सर्टिफिकेट हम लोगों के पास नहीं है, सिर्फ पावर ट्रांसफ़र हुआ था, उसका कहानी तुमको हम अभी बताएं। नाम किसी का नहीं लिए हैं लेकिन कहानी बताएं, पूछ लेना अपने घर में। तो क्या कह रहे थे अभी हम, किस पॉइंट पर थे, डेसिमल के, इंग्लिश हिंदी वाला कहानी। जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगा तो भारत को तो सोने की चिड़िया सब दिन से कहा गया, और एजुकेशन सिस्टम हम लोगों का जो है ना अपना सबका, बहुत डीप में है, बहुत पुराना है,
हर चीज़ में सर पुराना है। एजुकेशन सिस्टम आज कुछ देश 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल से अपने आप को समझ रहा है कि हम पावरफुल हैं किसी चीज़ में, ठीक है। तो अपना देश सबसे पावरफुल रहा सब चीज़ में। अंग्रेज जब यहाँ से जाने लगा तो कहा कि भारत में फिर दोबारा कैसे शासन करेंगे, ठीक है, भारत में दोबारा हम लोग कैसे शासन कर सकते हैं, पता लगाएगा अपना आदमी से, अपना अफसर से, जो सब था उस समय में वायसराय लोग थे या जो भी थे, उन लोगों से पता लगवाया कि भाई यहाँ फिर से हम राज कर सकते हैं। कैसे? एक यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो गुरुकुल पद्धति है, उसको तोड़ो, उसको बर्बाद करो, ठीक है। एक उसको बर्बाद करो तो गुरुकुल, पहले क्या किया गया, जो गुरुकुल में पढ़ने जाता था उस पर अत्याचार किया गया, बच्चा पर, गार्जियन पर। उसके बाद गुरुकुल के जो गुरु होते थे उनको मारा गया, पीटा गया, तोड़ा गया, किसी प्रकार से गुरुकुल को धीरे धीरे नष्ट किया। और सबसे पहले कलकत्ता में जो है सो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया, ठीक है। और बाद में अब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यही अंग्रेज का काम है, ये भी कहानी अपने बाबा से, दादी से, नाना नानी जी से पूछा। और दूसरा बोला और क्या किया जाए, तो एक आईपीसी इंडियन पैनल कोड जो कानून बनाया, ये दो चीज़ कर देगा तो फिर हम भारत पर राज कर सकते हैं। ये दो चीज़ करके गया हुआ है और इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के कुछ आदमी को दे के चला गया, समझ गया, ठीक। चलो बात अलग है। डेसिमल, दशमलव, दशांश, क्या बोलते हैं इसको, डेसिमल, दशमलव, दशांश, ठीक है, डेसिमल, दशमलव, दशांश, या एक और नाम है इसका दशमिक, इसका एक और नाम है दशमिक, ठीक है। इसको पॉइंट से इंडिकेट किया जाता है, इसे इंडिकेट किया जाएगा पॉइंट्स। कैसे पढ़ा जाएगा वो तो हम बता दिए हैं, आप कहाँ कहाँ यूज है वो भी आप देख लिए। बाइनरी सिस्टम में 0 और 1, बाइनरी सिस्टम माने इसको बोलते हैं हिंदी में द्वि आधारी, माने दो आधार, यानी कि दो ही डिजिट का उसमें यूज होता है, 0 और 1, ठीक है। हम लोगों का जो नंबर सिस्टम है वो भी क्या है, डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत, यानी कि उसमें 10 डिजिट का यूज होता है, 1 to 9 और 1 0, समझा। जैसे तुम लोग डेसिमल सिस्टम पढ़ता होगा, कौन मिली सेंटी डेसी डे का, सब में 10 है ना, 10 के पावर में है कि नहीं। इसी प्रकार से इस पर जोर डालेगा जब दिमाग पर, तब पता चलेगा तो डेसिमल में क्या क्या, डेसी क्या क्या क्या, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते। अब आ जाइए डेसिमल, डेसिमल नंबर कहो या सीधा डेसिमल को, याद रखना डेसिमल नंबर बोलो या सीधा डेसिमल बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम उसी को डिफाइन करें, क्या सबसे पहले हम उसी को डिफाइन करते हैं। ए डेसिमल फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन, ए डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन। जब ये फ्रैक्शन हो गया, इसका मतलब फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर नहीं होता है, हम क्या लिखे हैं, ए डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर, दिखाई दे रहा, हुज डेनोमिनेटर इज, उसका डेनोमिनेटर क्या होगा, 10 या 10 के पावर में, तो सीधा हम लिख देते हैं पावर ऑफ 10। डेसिमल में क्या होगा, 10 होगा डेनोमिनेटर में या 10 के पावर में होगा, वो क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर कहलाएगा, ठीक है। ए डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर इज पावर ऑफ 10, समझ गए। अब हम आते हैं कि जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख पढ़े थे, उसी प्रकार से डेसिमल के बाद भी होता है,
ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या नंबर सिस्टम में। जैसे हम यहाँ एक लिख देते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, एक नंबर हम ले लिए कि 22.041997 ले लिए कोई नंबर। कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ लेते हैं 22.041997 ठीक है। अच्छा, इसी से समझ जाएगा कि कौन गलत पढ़ता है या कौन सही पढ़ता है। तो अक्सर हाँ टीवी पर अभी भी देखेगा बैठ के, तो 10 चैनल में से 4 चैनल 5 चैनल वाला ये गलती बोलता है, ठीक है। या इसको और हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सुन 22.041997 लिखा हुआ है जी। ये जो है पॉइंट है, इससे इधर और इससे इधर, यहीं से, जैसे नंबर लाइन पर नहीं करते हैं हम लोग, नंबर लाइन जो हम लोग बनाते हैं तो बीच में जीरो लेते हैं ना, और राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में निगेटिव, वैसे ही इसको तुम समझ लो कि नंबर लाइन है, हम हो गए ओरिजिन जीरो, नहीं तो हमसे इधर इधर क्या होगा, लेफ्ट में निगेटिव और राइट में पॉजिटिव, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी दो पार्ट, तो किसी भी डेसिमल को हम लोग दो पार्ट में बांट, ठीक है, ये जो पार्ट हुआ इसको बोलते हैं होल नंबर पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर पार्ट, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल पार्ट। दो पार्ट में बांट दिए, एक हो गया होल नंबर पार्ट और एक हो गया डेसिमल नंबर पार्ट, ठीक है। तो होल नंबर तो आप समझते आ रहे हैं, नहीं ये क्या हुआ 2 ones, नहीं और ये क्या हुआ 2 tens, और पीछे रहता था 100, 1000, 10,000, तो आप जान रहे हैं। अब हम आते हैं डेसिमल पार्ट, तो पॉइंट के बाद ये जो जीरो है इसको बोलेंगे हम लोग, इसमें टेंस था, ये हो जाएगा टेंस, क्या हो जाएगा टेंस, TENTHS THS लग गया। अभी 4 क्या होगा, टेंस के बाद इसमें क्या था 100, इसमें भी TH लग जाएगा, हंड्रेड्स, क्या बोलेंगे इसको HUNDREEDTHS, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स। उसके बाद 4 है, 100 के बाद क्या होगा 1000, उसमें भी THS लगा दीजिए, THOUSANDTH, थाउजेंड्स। उसके बाद क्या हो जाएगा 10,000, अब समझ के बात, उसमें खाली THS लगाते जाइएगा, जैसे आप आता है ना इधर वैसे ही आगे बढ़िएगा तो THS लगा दीजिए 10,000, ठीक है, उसी प्रकार से बढ़िएगा। अब आ जाइए, इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए क्योंकि हम साफ पढ़ेंगे। अब एक चीज देखिए, हम जो बोले हैं हिंदी में दशांश बोले हैं ना, दशमिक,
दशमलव बोले हैं, दशांश माने क्या, दस में एक नहीं, क्लियर है, दशांश माने दस में एक। तो हमको दशांश जो लिखना है इसका मतलब क्या, दस में एक यानी क्या, वन बाई टेन। अब फ्रैक्शन आप पढ़े हैं, तो फ्रैक्शन में जो पढ़े हैं आप, वन बाई टेन का मतलब क्या हुआ कि टेन में से एक पार्ट, जिसको पहले हम फाइव कर देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, टेन पार्ट में बट गया। टेन इक्वल पार्ट हमसे नहीं हुआ क्या, इक्वल रहना चाहिए लेकिन ये तो संभव नहीं है यहाँ पर, इसमें से एक पार्ट ये किसको शो कर रहा, यह शो कर रहा है वन बाई टेन को, समझ गए बात क्या है दशांश आपका। अच्छा, अब हमको अगला पॉइंट पढ़ना है कि कैसे पढ़ा जाएगा, वो तो बता दिए हम आपको, ठीक है, दोनों पार्ट बता दिए, डेसिमल पार्ट भी बता दिए, और क्या बता दिए, डेसिमल पार्ट टाइम हो गया आपका, अब हमको कुछ क्वेश्चन इसी में से आपको देना होगा, ठीक है, आज तो भाषण में चला गया ज़्यादा समय, इसी में से आपको जितना पढ़ा है उतना ही में से क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। चल जैसे क्वेश्चन आपको मैं दूं, क्वेश्चन वन, हाउ कैन यू रीड एंड राइट इन वर्ड्स। यहाँ जो हम लिख रहे हैं नीचे में कुछ नंबर लिख रहे हैं, इसको आप कैसे पढ़िएगा और कैसे लिखिएगा सो दे रहे हैं, बताएं अभी। जैसे पहला लिखिए, जैसे हम लिखते हैं 1.2, बोलते भी जा रहे हैं 11.23, 0.456, 123.406 से, ठीक है, कैसे पढ़ा जाए और कैसे लिखा जाए, एक क्वेश्चन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है, राइट द फॉलोइंग इन द प्लेस वैल्यू टेबल, राइट द फॉलोइंग इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अच्छा, उसमें चारे लिखे हैं ना, एक और लिख देते हैं, ठीक है, एक और लिख देते हैं, पांचवा, पांच रहना चाहिए क्या, 100.031973, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए आप, इसमें भी पांच को लिखना है, ये जो हम लिखे हैं प्लेस वैल्यू टेबल, प्लेस वैल्यू टेबल क्या, जैसे नहीं अभी बताया आपको कि पॉइंट से इधर क्या लेफ्ट में निगेटिव में, और पॉइंट से इधर राइट वाला, तो निगेटिव पॉजिटिव तो नंबर लाइन पर जब जाएंगे तब, अभी हमको क्या बताया है आपको, यूवंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड वाला, और इधर क्या टेंथ हंड्रेड, वही एक टेबल बना लीजिएगा और उसमें दिखा दीजिए कौन किस में है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका प्लेस वैल्यू, नहीं ठीक है, प्लेस वैल्यू में 1.23, दूसरा ले लेते हैं 12.345, तीसरा ले लीजिए 10.071952, ठीक है, चौथा ले लीजिए 20.201.1991, ठीक है, और पांचवा ले लीजिए 21.01999, ठीक है, पांच हो गया। राइट द फॉलोइंग द प्लेस फॉलोइंग द प्लेस राइट द फॉलोइंग इन द
प्लेस वैल्यू टेबल, इन दी प्लेस वैल्यू टेबल दीदी लिखा गया था दो बार। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, इसको लिखना आपको एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, जैसे पहला लिखा 147.68, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम, एक बता दें आपको, एक बता दें तो 100 प्लस 40 प्लस 7 प्लस 6 बाय 10 प्लस 8 बाय 100, ये हुआ इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक बता दिए। दूसरा लिख लीजिए 68.756, तीसरा लिख लीजिए 23.450, चौथा लिख लीजिए, दिखाई दे रहा, चौथा पांचवा यहाँ लिख दीजिए, चौथा लिख दीजिए 123.045 और पांचवा लिखिए 0.23456। हो गया पांच। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हैं, अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म ही लिख देते हैं और उसको आप डेसिमल फॉर्म में चेंज कीजिए। ठीक है, राइट इन डेसिमल फॉर्म, चौथा क्वेश्चन है आपका, राइट इन डेसिमल फॉर्म। पहला इसमें लिखो 200 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 6 बाई 10 प्लस 7 बाई 100 प्लस 8 बाई 1000, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए 0 प्लस 3 बाई 10 प्लस 4 बाई 100 प्लस 5 बाई 1000। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए 300 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 7 बाई 10 प्लस 8 बाई 1000। ठीक है, चार क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हमको और लिखना है। ठीक है, टाइम हो गया ज़्यादा, छोड़ देते हैं, आगे में लेके चलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लिए होइएगा आप लोग। चलिए, जय माँ बंगला मुखी।